नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका सुधीर गुप्ता के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट के नतीजों के बारे में जान रहे हैं, जिसमें एक कुछ और सीटों के बारे में जानते हैं। इसमें जो मेन सीटें हम जानने वाले, सुल्तानपुर, पीलीभीत, लखनऊ, मिर्जापुर, रायबरेली, बस्ती, संत कबीर नगर में यहाँ पे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, अमेठी, अलीगढ़, कन्नौज, बागपत, रमेश चंद, ये जो भदोही वाली सीट है, फिरोजाबाद जानेंगे, यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, अमरोहा, डुमरियागंज। ठीक है, अभी देखिए, अगर जो आप लोग अपडेट चाहते हैं तुरंत की तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे वीडियो जैसे ही आते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को अपडेट करते चेक करते रहिए, ठीक है, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं टाइम टू टाइम, इससे आप लोगों को पता चलेगा कौन सा वीडियो कौन सा टाइम पे अपलोड हो रहा है। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन आगे है। तो लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सुल्तानपुर में क्या नतीजा है। सुल्तानपुर में बात करें, मेनका गांधी, सुल्तानपुर और पीलीभीत दो सीट ऐसी है जिनको अदला बदली कर दी, यानी कि सुल्तानपुर से पहले सांसद थे वरुण गांधी, लेकिन उनको भेज दिया गया पीलीभीत, और जो पीलीभीत की जो सांसद थी मेनका गांधी, उनको भेज दिया गया था सुल्तानपुर। अभी देखिए सुल्तानपुर में क्या नतीजा अभी करंट में चल रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसके नतीजे जानने के लिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पे मेनका संजय गांधी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 270,000 वोटों से यहाँ पे पाके पहले स्थान पर कामयाब है, 270,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं पे बात करें चंद्रबाबू सिंह सोनू जो है वो 259,000, यहाँ पे करीबी है, करीबी मुकाबला चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते अभी जीत हार किसकी होगी, लेकिन मेनका गांधी जो बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, वहीं पर आते हैं दूसरी सीट जिसके बारे में बात करें, मिर्जापुर बात कर लेते हैं। मिर्जापुर में कौन आगे है कौन पीछे इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिर्जापुर में बात करें, अनुप्रिया पटेल जो लड़ नहीं है उनके बारे में भी जानते हैं। तो मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल की बात करें तो लगभग 387,000, आप देख सकते हैं अनुप्रिया सिंह पटेल यहां पे 387,932, अपना दल पार्टी है जो बीजेपी के साथ एनडीए में अलायंस में है, 387,932 वोटों के साथ पहले पायदान पर है। यहां पे रामचित्रण निषाद जो है वो 249,000 दूसरे स्थान पर गठबंधन कैंडिडेट है। यहां पर भी बीजेपी जो एनडीए गठबंधन वो जीत रही, यानी कि अनुप्रिया पटेल जीतते हुए और आगे बढ़त बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हम जो सीट देखेंगे, संत कबीर नगर, आप लोग ये संत कबीर नगर और सीट शुरुआत से बढ़त बनाई थी गठबंधन कैंडिडेट जो बसपा के थे, जो विष्णुनगर और कुशल तिवारी, लेकिन अभी यहाँ पे देख ले 2,000 वोटों से आगे हो गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद। यहाँ पे थोड़ा सा ये बदलाव देखने को मिला, शुरुआत से ही पीछे चलने वाले बीजेपी के प्रवीण निषाद अभी यहाँ पे 2,000 वोटों से आगे हो गए हैं, अभी गिनती खत्म नहीं हो रही। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस के जो बालचंद यादव थे उनको लगभग 80,000 वोट मिले हैं, प्रवीण निषाद को 307,000 वोट मिले हैं, और जो विष्णुनगर कुशल तिवारी 305,000 वोट समथिंग मिले। तो यहाँ पे संत कबीर नगर वाले सीट पर ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आइए चलते हैं कन्नौज, जहाँ से डिंपल यादव मैदान में है। अब सुनने में ये आ रहा है डिंपल यादव जो एग्जिट पोल था उसमें हार रही थी, लेकिन यहाँ पे डिंपल यादव शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं और सीट अपना छोड़ना नहीं चाह रही हैं। आइए देखते हैं कन्नौज में क्या हाल है क्या नहीं है। तो कन्नौज की बात करें, यहाँ से देखिए डिंपल यादव जो है वो 218,000 वोटों के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पर पहुँच गई हैं, लेकिन जो सुब्रत पाठक, हमने जो एग्जिट पोल था आप जाके पुराने वीडियोज में देख सकते हैं, उन्होंने बताया था बीजेपी से जो सुब्रत पाठक है वो जीत रहा है, लेकिन शुरुआत से डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर डिंपल यादव के हाथ से ये सीट जाता हुआ दिख रहा है। 224,000 वोट यानी कि 6,000 वोटों का फर्क है बीजेपी के सुब्रत पाठक आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए। तो कन्नौज की सीट एसपी के हाथों से जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिरोजाबाद सीट जो सपा के हाथों में थी, यहाँ से अक्षय यादव मैदान में थे, साथ में शिवपाल यादव चचा जो है इनके भी मैदान में थे, लेकिन यहाँ पे जो अक्षय यादव थे शुरुआत में बढ़त बनाए थे, लेकिन अभी बात करें तो ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये आगे हो गए, अभी देखिए ये थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, ये आगे पीछे का मुकाबला चल रहा है। 195,000 वोटों के साथ यहाँ पे पहले स्थान पर अक्षय यादव और डॉक्टर चंद्रसेन यादव जो 190,000, ये भी करीबी मुकाबला है, कभी आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो आगे रहे वो अक्षय यादव रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सीट देखते हैं जो हमारे लिस्ट में है, उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पीलीभीत। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया जो मेनका गांधी है और वरुण गांधी वाली सीट है, ठीक है, पीलीभीत की बात करें
तो पीलीभीत में देख सकते हैं, पीलीभीत में क्या हाल है, जो वरुण गांधी है वो 4,85,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर बहुत आगे निकल गए हैं और ये वरुण गांधी ये सीट आसानी से जीत जाने वाले। यहाँ पे देखिए एसपी के हिमराज है लगभग 3 लाख वोट, मतलब 1,85,000 वोटों का अंतर है। तो यहाँ से भी फिर पीलीभीत सीट वरुण गांधी यानी कि बीजेपी आसानी से जीतती हुई दिख रही है। आइए रायबरेली सीट के बारे में बात करते हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी लगभग 3,20,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर 2,23,000 वोटों के साथ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के हैं। ये सीट भी आसानी से यहाँ पे कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस जीत जाए। आइए सबसे इंपॉर्टेंट सीट यहाँ पे देखते हैं, आगे पीछे की लड़ाई जहाँ पे चली वो है अमेठी। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की बात करें शुरुआत में आगे चल रहे थे लेकिन अभी 1,33,000 वोटों के साथ ये सेकेंड पोजिशन में आ गए हैं। स्मृति ईरानी 1,47,000 मतलब 12,000 से 13,000 वोटों का यहाँ पे अंतर हो गया। स्मृति ईरानी अब बढ़त बनाए हुए हैं अमेठी वाले सीट। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सीट है जो जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे बात करें राहुल गांधी वायनाड सीट से बहुत आगे चल रहे हैं लेकिन वहीं पे अमेठी वाली सीट यहाँ पे छूटती यहाँ पे दिख रही है। आते हैं नेक्स्ट सीट पे, बागपत की बात लेते हैं। बागपत में देखेंगे यहाँ से जो सत्यपाल सिंह है बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 2,27,000 वोटों के साथ सेकंड पोजिशन में है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहाँ पे देख सकते हैं 2,47,000 वोटों के साथ फर्स्ट पोजिशन पे और लीड कर रहे हैं। यहाँ पे जयंत चौधरी का कड़ा टक्कर दे रहे थे, यहाँ पे ये भी आ रहा था कि जयंत चौधरी ये सीट निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल सिंह नज़दीकी मुकाबले में आगे जा रहे हैं यानी कि बढ़त बनाए हुए। नेक्स्ट सीट पे चलते हैं अमरोहा। अमरोहा की बात करते हैं, अमरोहा में देखते हैं कौन आगे है कौन नहीं। ठीक है, अमरोहा की बात करें यहाँ से कुंवर दानिश अली जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं यानी कि गठबंधन के 4 लाख वोट पाके पहले स्थान पर है और 3,36,000 वोटों के साथ कंवर सिंह तंवर जो है वो 3,36,000 वोटों के साथ सेकेंड स्थान पर है। पहले स्थान पर है कुंवर दानिश अली 4 लाख वोटों के साथ, यानी कि गठबंधन यहाँ से जीत रहा है अमरोहा वाली सीट से। नेक्स्ट आते हैं लखनऊ वाली सीट के बारे में देखते हैं। लखनऊ जहाँ से राजनाथ सिंह बढ़त बनाए हुए हैं और शायद ये जीत भी जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। तो आइए लखनऊ सीट के हाल जान लेते हैं। तो लखनऊ में यहाँ पे जो राजनाथ सिंह है देख सकते हैं आप, ये है राजनाथ सिंह जो 4,87,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर है और पूनम सत्यधन सिन्हा जो 2,22,000 वोटों के साथ सेकंड पोजीशन में। यहाँ पे कोई टक्कर नहीं दे पा रहा राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह सबसे आगे। एक और सीट है जो लोग पूछ रहे थे हमसे, ठीक है, इसमें आता है ये मोहनलालगंज। मोहनलालगंज के बारे में देख लेते हैं। तो मोहनलालगंज से यहाँ पे देख सकते हैं जो सीएल वर्मा है बीएसपी की 3,35,000 वोटों के साथ सेकंड पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे है कौशल किशोर जो 4,16,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर है। तो मोहनलालगंज की जो सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस्ती वाली सीट की है। बस्ती वाली सीट देख लेते हैं, बस्ती वाला सीट किसके हाथ में जा सकता है। तो बस्ती में बात करें यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बस्ती है, वो बस्ती वाला सीट यहाँ पे देख सकते हैं रामप्रसाद चौधरी 1,81,000 वोटों के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पर है और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं हरीश द्विवेदी 2,15,000 वोटों के साथ यहाँ पे पहले स्थान पर है और बढ़त बनाए हुए हैं। तो बस्ती वाली सीट भी बीजेपी के हाथों में जाती हुई दिख रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ भी आप लोग पूछ रहे थे, कई लोगों ने अलीगढ़ पूछा था। अलीगढ़ में जो उम्मीदवार हैं यहाँ से देखते हैं जो सतीश कुमार गौतम, यहाँ पे देख सकते हैं सतीश कुमार गौतम बीजेपी के हैं, उन लोगों 5,59,000 वोट पाके बहुत ज़्यादा वोट पाके ये बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे पोजीशन पे देखेंगे तो डॉक्टर अजीत बलियान है यहाँ पे 3,40,000, यानी कि जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सतीश कुमार गौतम आसानी से ये चुनाव जीत जाने वाले हैं तो अलीगढ़ में बीजेपी आसानी से आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम भदोही सीट की देख लेते हैं। तो भदोही से कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, ठीक है, भदोही की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो रमेश चंद हैं, रमेश चंद आपके बीजेपी से हैं 3,12,000 वोटों के साथ ये फर्स्ट पोजीशन पे है। 2,74,000 वोटों के साथ यहाँ पे रंगनाथ मिश्रा हैं जो सेकंड पोजीशन में, गठबंधन बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे भी जो अमरोहा वाली सीट है सॉरी भदोही वाली सीट है ये बीजेपी यानी कि बीजेपी से रमेश चंद जीतते हुए दिख रहे हैं। आइए एक और सीट है डुमरियागंज, इसको भी देख लेते हैं। डुमरियागंज बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। जगदम्बा का पाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, 3,10,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर आफ्ताब आलम है जो 2,43,000 वोटों के साथ यहाँ पे इनको टक्कर दे रहे हैं।
कुछ और सीट है जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे फैजाबाद सीट पूछा था, तो फैजाबाद देख लीजिए। फैजाबाद से जो एसपी के उम्मीदवार हैं 223,000 वोटों के साथ सेकंड पोजीशन में है। यहाँ पे लल्लू सिंह है बीजेपी के, 271,000 वोटों के साथ यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लल्लू सिंह बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो जीतते हुए। फतेहपुर सीकरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीट, यहाँ पे देख सकते हैं राजबब्बर मैदान में थे, लगभग 59,581 मत ही मिले सिर्फ राजबब्बर को। यहाँ पे देने में याद है टक्कर दे सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राजकुमार चारहर जो है 227,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर है। मैंने आपको कल वाले एग्जिट पोल में बताया था कि यहाँ पे राजकुमार चारहर जीत सकते हैं, तो राजकुमार चारहर 227,000 वोट के साथ यहाँ पे जीतते हुए लग रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो राजबब्बर हैं वो दूसरे स्थान पर सेकेंड पोजिशन पर हैं। नेक्स्ट एक और सीट हम देख लेते हैं, इसी में कोई अच्छी सीट देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में अगर जो देखेंगे तो बीजेपी के जो महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा 365,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर है। 254,000 वोटों के साथ सतवीर जो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एग्जिट पोल। आप लोग अपने लोकसभा सीट को कमेंट करके बताइए जो कौन से लोकसभा सीट से आप बिलोंग करते हैं, तो हम बताएंगे वहाँ से कौन जीत रहा है। देखते रहो सुधीर गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।